अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मेरठ महानगर ने 1857 की क्रांति भूमि बाबा अगरनाथ मंदिर पर पावन रथ का पूजन कर शौर्य जागरण यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद जैन मंडप में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि शौर्य जागरण यात्रा मात्र एक साधारण यात्रा नहीं, हिंदू समाज को पुनः अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा, उनके बलिदान को याद दिलाने के लिए है। भारतवर्ष के इतिहास में अनेक ऐसे वीर हुए हैं जो बिना धड़ों के भी लड़ते थे। मां पन्ना धाय एवं बागपत की बहन नीरा आर्य के बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के कारण हम अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को भूलने लगे हैं। इससे पूर्व प्रांत अध्यक्ष अमन सिंह, प्रांत मंत्री राजकुमार डूंगर एवं प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने भगवा पताका दिखाया, शौर्य जागरण यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। संबोधन के बाद शौर्य जागरण यात्रा का MBS भारत माता मंदिर, केसरगंज, मेट्रो प्लाजा, बागपत रोड आदि अनेक स्थानों पर हिंदू समाज ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद यात्रा पांचली गांव पहुंची, जहां 1857 की क्रांति के अमर बलिदानी धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदना जिले के लिए प्रस्थान किया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के बलिदानी परमवीर चक्र से सम्मानित महावीर योगेंद्र यादव के परिवार को सम्मानित किया गया। आयोजक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने यात्रा में आए युवाओं का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विभाग मंत्री निमेश वरिष्ठ ने किया। यह जानकारी महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विहिप मधुवन आर्य ने दी। देखिए, हम इस्लाम को ये नहीं सिखा सके। बंधुओं, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। इस्लाम जहां गया उनको खत्म किया, लेकिन भारत की धरती पर ना वो हिंदू को खत्म कर सके ना हम उनको हजम कर सके। हमको अपना हाजमा बढ़ाना है, उनको सिखाना है कैसे मिलकर रहा जा सकता है। क्रांतिकारी मंगल पांडे की, क्रांतिकारी मंगल पांडे की, देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों की, देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों की, राम मंदिर के बलिदानियों की, भारत माता की, हर हर महादेव। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।